हेलो फ्रेंड्स, मथुरा प्रसाद मैना, वेलकम टू तनिष कोचिंग क्लास। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों, इसमें मैं दो चीज़ों पर आपको अभी बताऊंगा, जिसमें फ्यूचर में किसी निश्चित समय में कोई कार्य समाप्त हो चुका होगा इस संबंध में, या फिर वक्ता का विश्वास है कि कोई घटना घट चुकी होगी, एक निश्चित समय कि पहले कोई काम हो चुका होगा, इस संबंध में आपको सेंटेंस बताऊंगा। और ये जानने के लिए हमारा पूरा वीडियो जरूर देखें, और इसके पहले भी आप पहले के टेंस देखने चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आगे के वीडियो आप उसके देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होगी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या आ होगा, ई होगी, ए होंगे। इसका जो सेंटेंस होगा उसके लास्ट में आ होगा, ई होगी, ए होंगी, मीन्स इन मात्राओं से उसका एंड होगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, आता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस होता है। अब इससे रिलेटेड फर्स्ट स्ट्रक्चर जो काम करता है, इसमें सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव, मीन्स विल हैव या शैल हैव, प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऊपर के ये दो सब्जेक्ट होंगे आई और वी, इनके साथ आपको शैल का यूज करना है, रिमेनिंग ऑल सब्जेक्ट्स में विल का यूज करना है। तो जितने भी सब्जेक्ट्स नीचे के जो बचेंगे इन सब में विल हैव यूज होगा, ऊपर के दोनों सब्जेक्ट में आई और वी के साथ शैल हैव का यूज करना है। देखते हैं फर्स्ट, सबसे सपोज एक सेंटेंस, एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि फ्यूचर में किसी कार्य को निश्चित समय पर कोई कार्य समाप्त हो चुका होगा, इस संबंध में सेंटेंस लेते हैं। तो आई शैल हैव फिनिश्ड, मैं 5 बजे तक ये कार्य समाप्त कर चुका होऊंगा, मैं 5 बजे तक यह कार्य समाप्त कर चुका होऊंगा, या वह 5 बजे तक ये कार्य समाप्त कर चुका होगा, इस संबंध में सेंटेंस लेते हैं। तो मैं 5 बजे तक, सेंटेंस है मैं 5 बजे तक सपोज अपना कार्य, या ले लेते हैं हम अपना होमवर्क, कर चुका होऊंगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, आई यूज होगा, आई के साथ मैंने बताया आई और वी के साथ शैल हैव, आई शैल हैव। अब आपको यूज करना है वी थ्री, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा समाप्त करने के लिए फिनिश, फिनिश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिनिश्ड, आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, लेकिन दिया है 5 बजे तक, यहाँ पे टाइम बताया कि 5 बजे के तक ये काम हो जाएगा, तो इसके लिए आपको यूज करना है बाय 5 PM, बाय 5 PM। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा। तो ये बड़ा सेंटेंस हमें इस तरीके से बनाना है। अब सपोज इसी का अदर के साथ यदि आप बनाते हैं कि हम 5 बजे तक यह कार्य समाप्त कर चुके होंगे, तो वी शैल हैव फिनिश्ड, अब हम दिया है तो माई के प्लेस पर अवर, हमारा कार्य, अवर होमवर्क, हमारा होमवर्क बाय 5 PM, We shall have finished our homework by 5 PM. तुम अपना homework 5 बजे तक समाप्त कर चुके होगे। You will have
यहाँ जाएगा विल, यू विल हैव फिनिश्ड योर होमवर्क बाय 5 PM। वे 5 बजे तक अपना होमवर्क समाप्त कर चुके होंगे। दे विल हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क बाय 5 PM। सपोज वह 5 बजे तक अपना होमवर्क समाप्त कर चुका होगा। ही विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय 5 PM। वह 5 बजे तक अपना होमवर्क समाप्त कर चुकी होगी, तो हो जाएगा शी शैल हैव फिनिश्ड। अब शी है तो विल लगेगा, शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बाय 5 PM। नेम से बनाना है, राम 5 बजे तक अपना होमवर्क समाप्त कर चुका होगा। राम विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय 5 PM। अब इसी का यदि आप निगेटिव बनाते हैं दोस्तों, तो निगेटिव में आपको निगेटिव बनाने के लिए विल हैव या फिर शैल हैव के बीच में नॉट का यूज करना है। तो हो जाएगा सपोज इसी का नेगेटिव बनाते हैं कि मैं 5 बजे तक अपना कार्य समाप्त नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरीके से यदि सेंटेंस होगा, नहीं कर चुका होऊंगा, तो आ जाएगा आई शैल नॉट, आई शैल नॉट हैव, I shall not have finished my homework by 5 PM। यहां मैंने लिया by 5 PM। इसी तरीके सबका निगेटिव बनाते हैं, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है shall और have के बीच में नॉट लगाना है। और इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं तो सिर्फ शैल या विल को आगे लेना है, हैव को आगे नहीं ले जाना है। अब इससे आप सभी के नेगेटिव बनाए। सपोज हम अपना 5 बजे तक अपना होमवर्क समाप्त नहीं कर चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड अवर होमवर्क बाय 5, तो होमवर्क के बाद यहाँ बाय 5 PM लगा देंगे, बाय 5 PM। ऐसे वह 5 बजे तक अपना होमवर्क समाप्त नहीं कर चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय 5 PM। वह 5 बजे तक अपना होमवर्क समाप्त नहीं कर चुकी होगी, तो शी विल नॉट हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बाय 5 PM। तो इस तरीके से नेगेटिव बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव यदि आपको बनाना है तो फिर उसके लिए आपको हैव, यहाँ शैल हैव और विल हैव चलता है, तो ओनली शैल को आगे लाना है। तो शैल को जब आगे लाओगे तो यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव बन जाता है। और WH के लिए यस या नो टाइप बनाने का, WH के लिए WH वर्ड मेरे साइट में दे रखे हुए हैं, इन WH वर्ड का यूज करके भी सेंटेंस आप बना लेंगे। अभी आगे बताने के पहले मैं एक और आपको आगे के सेंटेंस बताता हूँ। जैसे सेकंड मैंने बताया, वक्ता का बिलीव है कि कुछ घटना घट चुकी होगी। इस संबंध में सेंटेंस हम देखते हैं कि प्रिंसिपल यहाँ पर प्रार्थना के पहले आ चुके होंगे, तो द प्रिंसिपल अराइव्ड, आ पहुंचना, तो आ जाएगा विल हैव अराइव्ड, कब, एक टाइम के पहले, तो बिफोर का यूज कर देंगे, बिफोर द प्रेयर, बिफोर द प्रेयर। इस तरीके से इसका हम सेंटेंस बना देते हैं। आगे और अगर इससे रिलेटेड आप और कोई सेंटेंस देखते हैं, बिफोर प्रेयर दा नहीं करके आप बिफोर प्रेयर करेंगे चलेगा। सेकेंड इससे रिलेटेड सेंटेंस, उसका भाई, आप सपोज सेकेंड केस मैंने जो आपको बता दे कि मुझे विश्वास है ना कि वक्ता को भरोसा हो कि काम हो चुका होगा, फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा, उस सेंस में अगर सेंटेंस लेते हैं तो हिज ब्रदर, सपोज मैंने लिखा कि उसका भाई ट्रॉफी जीत चुका होगा, तो हिज ब्रदर विल हैव, हिज ब्रदर विल हैव, अब यहाँ पर जीतने के लिए जो वर्ब यूज होगा वो विन होगा, तो यहाँ पर वॉन, विन का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वॉन, तो हिज ब्रदर विल हैव
won the trophy. Won the trophy. तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाता है. नेक्स्ट हम और इससे रिलेटेड देखते हैं कि यहां पर सपोज मैंने लिया कि नौकर फर्श साफ कर चुका होगा, यानी कि एक समय हमने भरोसा है कि वक्ता को विश्वास है कि उस समय तक वो काम कर चुका होगा. तो इसके संबंध में सेंटेंस लेते हैं कि नौकर फर्श साफ कर चुका होगा. तो नौकर के लिए सर्वेंट, तो आ जाएगा द सर्वेंट, द सर्वेंट विल हैव क्लीन्ड, थर्ड फॉर्म क्लीन का क्लीन्ड, द सर्वेंट विल हैव क्लीन्ड, क्या चीज यहां पे फर्श का बोला है, तो क्लीन्ड द फ्लोर. इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाते हैं. निगेटिव बनाना है तो निगेटिव का मैंने बोले है कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब दिया है, हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, तो इसके बीच में नॉट लगाना है. इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल को आगे लगा दें. सपोज क्या नौकर फर्श साफ कर चुका होगा, तो विल द सर्वेंट हैव क्लीन द फ्लोर, क्वेश्चन मार्क. निगेटिव बनाना है, द सर्वेंट विल नॉट हैव क्लीन द फ्लोर. तो इस तरीके से ये हमारा निगेटिव बन जाता है. और अब अगर इंट्रोगेटिव हम लेते हैं, तो इंट्रोगेटिव के लिए जो स्ट्रक्चर काम करता है, आपको मैंने बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है. इसका जो स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब, आपको विल सेल मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पर हम लिखें विल और शैल. विल और शैल को पहले पुट कर दें, देन सब्जेक्ट, फिर आपको लेना है हैव, कंपल्सरी है ये, फिर हम लेंगे वी थ्री, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. तो ये यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ये काम करेगा. सपोज क्या वह अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा, तो ये आपका क्वेश्चन है यस या नो टाइप का है, क्योंकि इसका जो रिप्लाई होगा यस या नो में होगा. तो हम इसे बनाएंगे, तो क्या वह अपना होमवर्क समाप्त कर चुका होगा, तो विल ही हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क. इसी तरीके से क्या आप 5 बजे तक वहां पहुंच चुके होगे, तो क्या आप 5 बजे तक वहां पहुंच चुके होगे. सपोज मैंने सेंटेंस लिया, क्या आप 5 बजे तक वहां पहुंच चुके होगे, 5 बजे तक वहां पहुंच चुके होगे, पहुंच चुके होगे. तो इसे बनाने के लिए हमें करना क्या है, क्वेश्चन है. तो सबसे पहले तो आपको ये देखना सब्जेक्ट क्या है, इसमें आप है, आपके लिए यूज करते हैं हम यू, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब काम करेगी विल. तो यहां आ जाएगा विल यू हैव रीच्ड, विल यू हैव रीच्ड देयर, विल यू हैव रीच्ड देयर By 5 PM. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाता है, और ये जो क्वेश्चन होगा वो यस या नो टाइप का होगा. जब इसको WH क्वेश्चन में कन्वर्ट करने को कहा जाता है, कि आप WH क्वेश्चन का यूज करते हो, WH फैमिली, या आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बिफोर में WH वर्ड को अप्लाई कर दें. सपोज मैंने सेंटेंस दिया, कोई काम को करने से रिलेटेड है, तो व्हाट का आप क्वेश्चन बनाओगे, व्हाट का यूज करेंगे, और व्हाट का यूज करते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट आता है. यहाँ पर वह क्या कर चुका होगा, सपोज हमने बोला वह क्या कर चुका होगा, तो व्हाट विल ही
हैव डन, व्हाट विल ही हैव डन। और बोला वह 5 बजे तक कहाँ पहुँच चुका होगा, कहाँ से रिलेटेड है सेंटेंस यही रहेगा, बस आपको वेयर आगे पुट करना है, डब्ल्यू एच फैमिली का जो वर्ड यूज होगा वो शुरू में रख दें। तो वेयर विल यू, आप 5 बजे तक कहाँ पहुँचोगे होगे, तो वेयर विल यू हैव रीच्ड देयर। अब चूंकि रीच्ड कहाँ, तो यहाँ पर देयर नहीं आएगा फिर, क्योंकि इसके आंसर में ये आपका देयर दिया वहाँ, तो बनेगा वेयर विल यू हैव रीच्ड बाय 5 PM, आप 5 बजे तक कहाँ पहुँच चुके होगे। और सपोज यदि आपको दिया है व्हेन से क्वेश्चन बनाना है, तो फिर उसमें टाइम नहीं आएगा, क्योंकि व्हेन मीन्स कब और इसका जो आंसर होगा टाइम होगा, तो सेंटेंस में टाइम नहीं दिया जाएगा। तो क्वेश्चन बनेगा व्हेन विल यू हैव रीच्ड देयर, व्हेन विल यू हैव रीच्ड देयर मीन्स आप वहां कब तक पहुंच चुके होगे, कब तक पहुंच चुके होगे, तो उसमें आंसर टाइम होगा एट 5 PM, बाय 5 PM 5 बजे तक पहुंच चुका होगा। अब सपोज क्वेश्चन वाई दिया है, आप वहां 5 बजे तक क्यों पहुंच चुके होगे, तो आपको वाई को पुट कर देना आगे, वाई विल यू हैव रीच्ड देयर बाय 5 PM, क्यों, अब इसका रीजन, नेक्स्ट कौन पहुंच चुका होगा 5 बजे तक, वहां कौन पहुंच चुका होगा, तो सब्जेक्ट इसमें यू दिया है, तो ऐसे केस में सब्जेक्ट नहीं, जब हु से क्वेश्चन बनेगा तो सब्जेक्ट नहीं आएगा, तो हु, who will have reached there by 5 PM, who will have reached there by, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर